ये अननोन नंबर फोन उठा लेता है और उन लोगों से घंटों घंटे बातें करता है। सारे बच्चे आजकल नए जमाने के बच्चे नए करते जमाने के मतलब क्या, बैग में कमोड लेके जाते हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये भाई 10 बज रहे हैं, इतनी एनर्जी आ गई। मैं आपको अलग से 1,000 रुपया दूंगी ये सब चुप रहने का। ठीक, वेलकम टू आवर चैनल LOL। मैं बाहर आई थी और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं वड़ा पाव खा रही हूँ। मुंबई का वड़ा पाव पेट भर देता है आप सबका। और ये देखो हम खा रहे हैं स्वीट पोटैटो, तो ज़्यादा ही इंग्लिश बनता रहता है। ये देखो स्वीट पोटैटो, पहले हाथ से खा रहा था, मैंने वीडियो बनाया था, अभी इसने ये चम्मच ले लिया। उससे पहले मैं पैर से खा रहा था, कोई सेंस है इस बात की? उससे पहले जमीन पे था। किसी रूड है यार, बहुत रूड हो, बहुत रूड है तू। मैं रूड ही हूँ, बहुत रूड है। मैं रूड हूँ लेकिन रूड हूँ। ये अभी वड़ा पाव ही खा रहा था, इसलिए मैं जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया ना, स्वीट पोटैटो ले लिया, कि लोगों को बताया कि मैं हेल्दी चीजें खाता हूँ। ये भी हेल्दी है, हेल्दी है मतलब जब ज्यादा काम करना हो तो खाओ, तो ऐसी चीजें पच जाती है यार। हाँ, रोज रोज ना खाओ पर खाओ जरूर। मैं आज आई हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मैंने एक हफ्ते से अपनी मम्मी को नहीं मिला था, और गोले ने भी नहीं मिला था नानी को। और मैं आई हूँ, पता नहीं क्या बात है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं घर से खाना खाकर आई थी, पता नहीं क्या है कि जब भी मैं अपनी मम्मी के घर आती हूँ मुझे आते ही भूख लग जाती है। ओफ ओफ, सच में पता नहीं क्यों। ऐसा भी नहीं क्यों, मैं कोई बॉम्बे से पंजाब आई हूँ, अरे बॉम्बे में ही हूँ, मम्मी भी इधर ही है। पर ये देखो भैया पराठा, ये मेरी बहन ने अचार डाला है, गोभी गाजर शलगम का और मिर्ची का, और ये लौकी की सब्जी, ये हरी पुदीने की चटनी, और ये दाल। बस खा के बताती हूँ। सो हम जा रहे हैं सारेगामा के सेट पे, आज टेक्निकल है, और क्योंकि आज इस बार फिनाले में हर्ष भी मेरे साथ होस्ट कर रहा है, चालू कर लूंगा। सब लोग बहुत लोग एक्साइटेड है। राजकुमार बोल रहे तुम कहाँ से? कौन ये राजकुमार बोल रहे थे जी? नहीं 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 भैया, राजकुमार नहीं, राजकुमार का नंबर नहीं है। हालांकि मुझे राजकुमार कहते हैं, मेरी माँ कहती थी मुझे राजकुमार, लेकिन मैं राजकुमार नहीं हूँ। बाय। ये अननोन नंबर फोन उठा लेता है और उन लोगों से घंटों घंटे बातें करता है। राजकुमार भाई, राजकुमार नहीं, मैं जानना चाहता था कि मुझे वो राजकुमार क्यों कह रहा है। उससे शायद मेरी आवाज से लगा कि ये किसी राजकुमार की आवाज है, या वो रॉन्ग नंबर था। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब भी हम कोई बाहर निकलते हैं और स्कूल छूटने का टाइम होता है तो बच्चों के इतने रिएक्शन मिलते हैं हमें लोगों के इतने रिएक्शन, और बच्चे चिल्ला चिल्ला के पूरे रस्ते को बता देते हैं के भारतीय हर्ष जा रहे हैं। ये देखो, पर बड़ा अच्छा लगता है यार, हम बच्चों के फेवरेट है लगता है हर्ष, क्योंकि जितना और रहे नहीं यार, हम बच्चों तो बच्चों के नहीं बूढ़ों के भी, बूढ़ों के भी हैं भाई, क्या बात है। और बस जा रहे हैं हम सेट पे, आज टेक्निकल है, हर्ष होस्ट करने वाला मेरे साथ। मैं तो हमेशा ही अच्छा करती हूँ दोस्तों, अगर फिनाले आपको खराब लगा तो वो ये है, तब हुआ होगा। अरे नहीं यार, बच्चों के साथ तो मेरे को वैसे ही बहुत मजा आता है, तो बच्चों के साथ हम, वो देखो बच्चों की आवाज गाड़ी के अंदर आ रही है। अरे यार बच्चे वहां भी है। अब ये बच्चे अपने आप को सब ब्लॉग में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बस जा रहे हैं सेट में, बहुत भीड़ है, भूख भी लग रही है, पहले जाके खाना खाएंगे। और मैंने सुना है कि सेट पे बिरयानी आई है, और वो बिरयानी हमने साइड में निकलवाने रख दी है, और वो बिरयानी सबसे टेस्टी बिरयानी है। वो बिरयानी सबसे टेस्टी है। हाय हाय, कैसा बच्चा है। हाय, वो बिरयानी सबसे, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, ये ऋतिक रोशन बन गया। वो बिरयानी सबसे टेस्टी है। तो चलिए, बच्चों की चीखें बहुत आ रही हैं, अब फटाफट चलते हैं और खाना खाते हैं। और उनका ड्राइवर उनको बोला, बच्चे कहते हैं ये देखो बेचारे सुबह से पढ़ने गए थे और अब देखो बेचारे छूटे। हाँ, आधे से ज्यादा बच्चों ने पॉटी भी नहीं की। यार इनको छोड़ो यार,
मेरे को सच में तरस आने लग गया यार, बेचारे सुबह से गए पसीने से हर्ष। हमारा गोला भी ऐसे स्कूल जाएगा, और सुबह सुबह ये लोग जल्दी उठने के चक्कर में बेचारे पॉटी भी नहीं करते, तो आधे से ज्यादा बच्चों ने पॉटी भी नहीं की होगी। वो हर्ष अपनी बात बता रहा है यार, सारे बच्चे आजकल नए जमाने के बच्चे नए जमाने के मतलब क्या, बैग में कमोड लेके जाते हैं। मस्त जोक मारा। सो हमारा टेक्निकल हो चुका, रीडिंग हो चुकी है, माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट है, कल मचाने वाले हैं। और हर्ष इधर पैसे कमाने आया था, लेकिन वो सोच रहा है कि और पैसे कमाऊं। और हर्षल सर ने नया नया ये शो किया, पैसे आए हुए हैं, ये गाड़ी बेच रहा है उनको, खोल के दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि भाई यही लेना, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। हर्षल सर आपको कभी भी चाहिए और जाना इधर तो आप ले जाना प्लीज, मजे करो चिल करो, लेकिन वापिस देना है फिर, ये नहीं कि आए ही नहीं। ये बेच रहा है पक्का बेच रहा है, गुजराती बेच रहा है, वो भी बंदा मराठी है, वो भी नहीं लेगा भाई। ये गुजराती बेच रहा है, वो भी मराठी है, वो नहीं लेगा, कहेगा इससे अच्छा घर ना ले लूं गोवा में। सही बात है। सो फाइनली सारेगामापा लिटिल चैंप का फिनाले हो चुका है, और कौन जीता है ये तो आपको एपिसोड में पता चल ही गया होगा। सो आज हम बहुत खुश हैं, थोड़ा सैड भी हो रहे हैं कि इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग मिले थे, अब उनको बाय कहने का वक्त आ गया। बाय सर, एक बार हो जाए, हो जाओ, उतारो सर फिर ये मेरे ब्लॉग के लिए। 1 2 3 जी इतने खुश हुए, और जो जीता है उनकी खुशी में उन्होंने बाल उखाड़ दिए अपने, बड़े अच्छे हैं सुधाकर जी। सो गाइस हमारा शूट हो गया है, और फॉरम अपने फोटो खींचने लगी हुई है, फिर फोटो हो गया। सो हर्ष भी है आज, हर्ष कैसा लगा? बहुत मजा आया, तुम्हारे साथ बहुत टाइम बाद काम कर रहा था, और मेरा गला भी बैठ गया है क्योंकि बहुत बुलवाया तुमने मुझसे, बहुत परेशान किया है, बहुत सताया, लेकिन एंड ऑफ द डे शो अच्छा हुआ है। और विनर का नाम अभी हम आपको नहीं बताएंगे, क्या कर रही है भाई कैमरा। अच्छा, मतलब मैंने क्या बुलवाया यार, मैं खुद इतना थकी हुई हूँ कि मैंने खुद बहुत काम किया है, भूत लग रही है इतनी हार्श लाइट में, और तुम तो मैं कहूँ कहीं का राजकुमार लग रहे हो। तो चलिए घर चलते हैं, मैं तो आज सुबह गोले के साथ बहुत खेलूंगी। ये सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये भाई 10 बज रहे हैं, इतनी एनर्जी आ गई। मैं तो भाई आके दोबारा सोने लगी, इसको करने दो मस्ती। सारे का पापा का शूट हो गया फिनाले, बहुत बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा मन सैड भी हो रहा था कि अब शो ख़त्म हो रहा है, मिलेंगे नहीं, लेकिन उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी फिर से शुरू होगा नया सीज़न और हम फिर से मिलेंगे। और अब मैं जा रही हूँ अर्ली मॉर्निंग शूट करने, पता नहीं बिग बाज़ार या स्मार्ट बाज़ार में, वो जाके पता चलेगा। तो वहाँ पे शूट कर रहा है, वो मॉर्निंग में या नाइट में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कस्टमर आ जाते सामान के लिए, तो इसीलिए उनको तब करना होता है। तो अभी हमारा 8 बजे शुरू होगा और 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। और मेरे पास ऑप्शन भी था कि अगर आपको मॉर्निंग में नहीं करना तो फिर रात को 12 बजे के बाद, मैंने बोला नहीं भैया सुबह ही कर लेते हैं। सो मैं रात को 2 बजे घर आई, 6 बजे उठ गए, अब फिर निकल गए हम लोग 7:30 बजे, हैप्पी। चलिए शूट करते हैं। सो मैं आ गई हूँ स्मार्ट बाज़ार में शूट करने, और ये देखो ये छुप छुप के इधर लाइनों में घूम रहे हैं। पांडे जी का होता है कि मैं कहीं छुप के कोई चिप्स खोल के खा लूँ और फिर पैकेट रख दूँ, और ज्योति ताई भी बीच में कस्टमर बनी थी है ना, और ये कर भी गई। सो ये बेचारे सुबह से लगे हुए हैं, और दादा रात को कितने बजे सोए थे? 2:30 क्या होता है? 2:30 होता है ना, 2:30 क्या। सो ये सारे मेरे से चिड़े हुए हैं क्योंकि मैंने सुबह सुबह का शूट रख लिया, ये सारे इनको था कि आराम से रात को करेंगे, पर ये देखो ये सब बिना नहाए आए हुए हैं बस। फ्रेश हो? अभी कह रहे थे गाइस नहाना भी नहीं, जाके नहाएंगे। और ये छोटे छोटे दीवाने दीवानियाँ, ये इधर फिल्म कौन सी लगी है थिएटर में?
कौन सी बेड ये बेड अच्छा ओके अच्छी है ठीक है ये बेचारी जो खुद ही काम कर रही है कि पापा की परियां इधर सुबह सुबह ट्रॉलियां खींच रही है और ये देखो ये वो बंदा है जो बार बार रीटेक करवा रहा है अरे मैडम उसका आवाज़ आ गया अरे मैडम खांसे अरे मैडम खुजाए ये वो बंदा है दादा आप ही के हाथ में है जल्दी शूट करना कोई खांसे कोई कुछ नहीं, हो नहीं। आपने बताना ही नहीं है नहीं, नहीं। मैं आपको अलग से 1,000 रुपया दूंगी ये सब चुप रहने का ठीक ठीक है ओके बस 1,000 रुपया सोचो ये लड़कियों की फोटो खींच रहा है मैं अपने फ़ोन से खींच देता हूँ आपको भेज दूंगा ये नंबर ले रहा है सारी लड़कियों के ये स्मार्ट बाजार वाली सारी लड़कियों के नंबर इसके पास मिलेंगे बहुत तेज हो रहा है रात को इसका काम एडिट करनी है सबको उनको फोटो भेजना बहुत शादी हो गई फिर करो पीछे भी देखो अंकल कह रहे हैं वो पोस्टर में मज़ा आ गया शूट खत्म हो गया मैं जा रही हूँ गोली के पास क्योंकि 2 दिन से उसको अच्छे से नहीं मिली पहले मैं जाके देखती हूँ पक्का वो बालकनी में इस वक्त बैठा खेल रहा होगा क्योंकि मैंने बोला होगा कि थोड़ी धूप उसको रोज उसको धूप सेकानी है पीठ पे क्योंकि कहते हैं कि हम ऐसे बैठ जाते हैं धूप में इधर कोई फ़ायदा नहीं होता पीठ पे धूप लगनी चाहिए है ना सो मैं जा रही हूँ घर देखती हूँ गोला क्या कर रहा है गुड मॉर्निंग गाइज फिनाले ख़त्म हो गया हम घर आ गए बहुत ही अच्छा फिनाले था क्यों हर्ष बहुत अच्छा था कैसा था मतलब अभी तक नींद थकान उतरी नहीं है भैया तेरे साथ काम करके थकान बहुत लगती है ना? मेरे साथ काम करके मेरे साथ काम कम करना पड़ता है सारा काम मैं कर लेती हूँ बोले हंसो बोले बोले हंसो ये दोनों लगे रहेंगे खैर फिनाले बहुत मज़ा आया और जो हमारी सारेगामा की विनर है वो है जेटसन दोना लामा पाक्योंग सिक्किम से तो कॉन्ग्रेचुलेशन सिक्किम नॉर्थ ईस्ट सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं नॉर्थ ईस्ट के और वहाँ के कुछ कोई बड़े लोग भी आए थे मैंने उनको बोला मुझे नॉर्थ ईस्ट घूमना है जो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इंडिया में नॉर्थ ईस्ट ज़रूर जाऊँ तो थोड़ा मौसम ठीक होता है तो ज़रूर प्लान बनाते हैं थैंक यू सो मच हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो और बस हमारे वीडियो देखते रह करो और इन्जॉय करो क्यों गोली क्यों गोली हेलो